करनाल से बीते दो दिनों में 1250 प्रवासियों को अंबाला से बिहार के कटिहार तक ट्रेन से भेजा गया, जबकि 400 प्रवासियों को मध्य प्रदेश भेजा गया। इसी प्रकार गुरुवार को 200 प्रवासी उत्तर प्रदेश भेजे जाएंगे, उनके लिए जिला प्रशासन ने 30 बसों की व्यवस्था कर ली है। प्रवासियों के लिए अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग व्यवस्था की जा रही है। करनाल उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बताया कि प्रवासी मजदूरों को उनके राज्य में भेजने के लिए सरकार व प्रशासन कटिबद्ध है। उन्होंने बताया कि करनाल जिला में मंगलवार तक प्रवासियों की कुल संख्या करीब 4000 थी और 2500 बचे हैं, उन्हें भी उनके राज्य में भेजने के इंतजाम किए जा रहे हैं। उपायुक्त मंगलवार को शाम को करनाल कैथल रोड पर स्थित राधा स्वामी सत्संग घर में प्रवासियों का कुशलक्षेम पूछने के लिए दौरे पर थे। सत्संग घर में करनाल के SDM नरेंद्र पार मलिक मौजूद थे। उन्होंने कहा कि प्रशासन का यह प्रयास है कि सड़क पर पैदल या बैठे प्रवासी भी यहां पर दिखाई देते हैं। उन्हें शेल्टर होम में भिजवाया जा रहा है, जहां उन्हें खाने पीने की पर्याप्त व्यवस्था है और वहां से उनके राज्यों में उन्हें भेजा जा रहा है। उन्होंने एक अपील में कहा है कि प्रवासी किसी प्रकार की जल्दबाजी ना करें और सड़कों पर इधर उधर ना घूमें। जैसे ही व्यवस्था बनती जाएगी, सभी को उनके राज्यों में भेज दिया जाएगा। इस बारे में किसी को भी परेशानी होने की जरूरत नहीं है। उपायुक्त ने सत्संग घर में बने शेड में ठहरे प्रवासियों के बीच गए और उनका हालचाल पूछा। एक दो प्रवासी से उनका नाम पूछते हुए किसी प्रकार की परेशानी के बारे में बातचीत की। प्रवासी अजय ने बताया कि उन्हें यहाँ किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही है, घर से भी अच्छी व्यवस्था है, 3 वक्त का शुद्ध खाना, नहाने धोने, विश्राम और टहलने की पर्याप्त व्यवस्था है, सेवादारों का व्यवहार देखते ही बनता है। उपायुक्त ने सत्संग घर में प्रवासियों की देखरेख के लिए नोडल बनाए गए SDM से भी फीडबैक ली। उन्होंने सत्संग घर के सचिव रणदीप सिंह से भी काफी देर तक बातचीत की और बाल सत्संग शेड के निकट बनाए गए लोयों व खाने बनाने की जगहों का निरीक्षण किया। उपायुक्त ने सेवा भावना के लिए सत्संग घर की प्रबंध समिति का धन्यवाद किया। हमारे जिले करनाल में कल तक जो प्रवासी भाई बहन है उनकी संख्या 4000 के करीब थी। आज एक हमारी एक ट्रेन अंबाला से बिहार के लिए कटिहार के लिए रवाना हुई है, उसमें लगभग 1250 प्रवासी गए हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के लिए भी हमने लगभग 400 लोग भेजे हैं। उत्तर प्रदेश के लिए हम कल 200 लोग भेजेंगे। तो अलग अलग जिलों के लिए, अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएँ बनी हैं। आज की डेट में अब ये ट्रेन और बसें जाने के बाद हमारे लगभग 2500 प्रवासी अभी भी हमारे पास यहाँ पर हैं। और प्रशासन का प्रयास है कि जितने भी लोग रोड पे पैदल चल रहे हैं या बैठे हुए हैं, उन सबको हम बसें भेज करके हमारे शेल्टर होम्स में बुलवा रहे हैं, रख रहे हैं, और वहाँ से फिर उनको आगे उनके राज्यों में भेजा जा रहा है। पूरा जिला प्रशासन और हरियाणा सरकार इस चीज़ में प्रतिबद्ध है कि किसी भी प्रवासी भाई बहन को परेशानी नहीं आने दी जाएगी। मेरी सब लोगों से अपील रहेगी कि वो अपनी ट्रेन या बस सुविधा की व्यवस्था होने का इंतज़ार करें, जल्दबाजी ना करें, सड़कों पर पैदल ना निकलें, और जैसे ही उनकी व्यवस्था बनेगी वैसे ही उनको उनके राज्यों में भेज दिया जाएगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.